माई चैनल। आई होप कि मेरे सब व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज मैं बना रही थी लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ये वाली रेसिपी शेयर कर लूँ कि इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं इस तरीके से करती हूँ कि ये मैंने एक पाव लहसुन ले लिया और एक पाव अदरक ले लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया और कोई जो दाग वगैरह था उसको मैंने रिमूव कर दिया छुरी से। और ये देखिए, ये लहसुन है और ये अदरक है, इन दोनों को आपने सेम क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद इसको धो लिया अच्छे तरीके से, धोने के बाद इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और इसकी मैंने पेस्ट बना ली। ये देखिए, अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद डाल रही हूँ ब्लेंडर में और इसके अंदर मैं डालूँगी पानी तकरीबन हाफ कप या हाफ कप से भी थोड़ा ज़्यादा। और ये देखिए, इसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया। अब जिसके अंदर बर्फ़ जमाते हैं, बर्फ़ जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसके अंदर मैं जो है वो आपने स्पून से डालना है। मैं ज़रा ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी तो मैंने इसको जग से ट्रांसफ़र किया, लेकिन आपने इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए, फिर मैंने इसको बड़े सलीके से स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर लिया इवनली। अब इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे और इसको अब हम रख देंगे फ्रीज़र में। और फ्रीज़र में रख के आप इसको 6 से 7 घंटे बाद जब अच्छे तरीके से जम जाए ओवरनाइट रख देंगे, अगर गर्मी में बना लेंगे। देखिए जी, बिल्कुल कड़क हो गया, अब हम इसको रिमूव कर लेंगे। इसमें से हमने इसको अनमोल्ड कर लिया और अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं किसी कंटेनर में डाल लेती हूँ या शॉपर में डाल के जो है मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं और आप जिस भी सालन वगैरह में इसको यूज़ करेंगे, आप यकीन करें जो पेस्ट होती है लहसुन अदरक की उसका टेस्ट बदल सकता है लेकिन इसका नहीं बदल सकता। तो आप बना के इसको इस तरीके से रख सकते हैं और ये महीनों 2 महीने तक ख़राब नहीं होते। तो मैं ये 30 बना के रख लेती हूँ और मेरा 1 महीना बहुत सुकून से गुजर जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल पे नए हैं तो आपको वेलकम करती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही लगा बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो ये तो था जी छोटा सा स्मार्ट किचन हैक, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो तो ये ज़रूर इसको ट्राई करें, आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मुझे सपोर्ट करने का, वीडियोस को लाइक करने का, चैनल को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।